लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार शास्त्रीय काल इनकलाब साथियों, जैसा कि आप लोगों का मुद्दा है 2015 के 3528 पदों को भरना हुआ या 2018 ए और 2018 बी में पड़े हुए खाली पदों को भरा जाए, इसकी जो मांग आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसको मैं और पूरा युवा मंच सलाम करता है। भाइयों बहनों, आप लोग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों से निकलेंगे और इस बार सरकार पर इतना दबाव करेंगे कि उसको ये चयन प्रक्रिया, जिसमें हर बार कोई ना कोई को वो बिना मेडिकल कराए ही बाहर कर देते हैं, और इससे तनावपूर्ण और पूरे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उसमें भारी रोष और दुख रहता है कि उनको खाली पड़े पद दिखते हैं और सरकार ये ढिंढोरा भी पीट देती है कि उसने सारी भर्ती कर दी है, और जबकि आप लोगों को वहाँ पे स्थान मिल सकता है, आप लोगों को वो वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है, लेकिन सरकार सभी सरकारों का ये अड़ैयल रूप बहुत ही दुखदाय है। और इसी के लिए मैं आप सभी भाइयों और सभी बहनों से ये कहूँगा कि 9 अगस्त को इको गार्डन में चलना है। 9 अगस्त के लिए आपको इस बार पूरी तैयारी से आना है, और इसी के लिए दो तीन जोड़ी कपड़ा भी रख लीजिएगा, 2 दिन तो रुकना ही रुकना है, और वहाँ पे हम लोग पूरा बैठा जाएगा, धरना होगा, शांतिपूर्ण धरना है। और सभी से मैं गुजारिश करूँगा 9 तारीख को इको गार्डन में मिलना है, चार बाग पे नहीं, स्टेशन पे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इको गार्डन पे मिलें, और युवा मंच के सभी पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और हम सब आपके मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि 10 तारीख को जो सुनवाई है वो उस पर भी कुछ काम हो जाए और सरकार आप लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दे दे। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब घर से निकले इस बार, ये बहुत ही अच्छा मौका है, और क्योंकि चुनाव भी आ रहा है इसीलिए हम लोग को बहुत धैर्य से और शांति से इस पे पहलकदमी लेनी है, और हम लोग ये आज्ञा भी मिल चुकी है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, और पूरा युवा मंच आप लोगों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। बस आप लोग घर से निकलिए और शामिल होइए। इनकलाब जिंदाबाद।